नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। कांग्रेस पार्टी के 2 साल बेमिसाल के तहत आज चौधरी विनोद कुमार जी का हुआ अभिनंदन और हरी पगड़ी किसानी पगड़ी में नजर आए चौधरी विनोद कुमार विधायक हनुमानगढ़। सुनिए उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। कृषि महाविद्यालय खुलने पर, 400 केवी का ग्रिड खुलने पर लोगों ने आज एक अभिनंदन समारोह रखा है। लोग इस बात से खुश हैं कि जो हमारी मांगे थी वो हमारी पूरी हो रही है। पिछली दफ़े मेडिकल कॉलेज खुल गया, गणित कॉलेज खुल गया और गणित कॉलेज का काम भी शुरू हो गया। 1 करोड़ रुपये उनको दे दिया, काम चल रहा है और ये काम भी हम जल्दी शुरू करवाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ में जो जो लोगों की मांग थी लगभग हमने उसको पूरी की है। देहात के लिए 5 करोड़ की अब सड़कें बनेंगी, उनमें जो मिसिंग रोड है वो जुड़ जाएंगी। 80 करोड़ रुपया पानी के लिए जो सेंक्शन हुआ, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। तो ये पूरा हो जाएगा और हम प्रयास करेंगे भी ये जो सेंक्शन हुए इनको लागू करें। ये काम अगर 1 साल में पूरा हो जाता है तो आगे फिर हमारे पास 2 साल का टाइम बचेगा और उसमें हम और तरक्की कर सकते हैं। आगे जैसे हमारे स्टेडियम है उसमें सुधार हो जाएगा। आज भी 20 लाख रुपये उसमें दिए हैं, काम चल रहा है क्योंकि अब यूथ आ रही है, खेलने के लिए जगह चाहिए, उसको हम अच्छा और बनाने की कोशिश करेंगे। ये काम स्विमिंग पूल का मुद्दा था, आपका एजेंडे में था लेकिन वो मांग पूरी नहीं, क्या कहेंगे इस पर? अब उसके लिए बातचीत करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट कहीं भी नहीं चला रही है, फिर भी हम इसके लिए बातचीत करेंगे। अगर चलती है तो और अच्छी बात है हमारे यहाँ। बाकी हमने जो कहा वो हमने किया। ये तो बीजेपी वालों ने एक ही काम किया था, उन्होंने ये बंद किया। अगर ये उनका चालू करेंगे उनका तो काम बचेगा नहीं, कोई उनका काम किया तो कोई बचेगा ही नहीं। अब दिमाग से मैं भी दिमाग लगाऊँ, थे भी लगा के बताओ कोई, आप ही बताओ भी अब ये रह गया भाई। आपने आज हरी पगड़ी पहनी है, कहीं किसान आंदोलन में तो नहीं जा रहे आज आप? आज तो नहीं जा रहे भाई, किसान तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्यों जी, अब जो भाइयों ने पहना दी वही पहननी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज एक पुस्तिका का विमोचन किया गया जिसमें हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर जो जो काम हुए उसको दर्शाया गया। वहीं दूसरी ओर पत्रकारों से वार्ता करते हुए चौधरी विनोद कुमार विधायक ने कहा कि जो कार्य रह गए उसको भी पूरा किया जाए। हालांकि स्पिनिंग मिल का मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है, कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में था कि स्पिनिंग मिल चालू की जाएगी, परंतु उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रयास करेंगे और उन्होंने यही कहा है कि और भी आने वाले समय में विकास हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर करवाए जाएंगे। कोलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।